पुलिस मुठभेड़ में एक इनामिया बदमाश की लगी गोली, दो फरार। कासगंज जनपद में बीती आधी रात इनामिया बाइक सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि उसके दो अन्य साथी रात का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। घायल बदमाश की पहचान 20,000 के इनामिया बदमाश अनुज के रूप में हुई है। पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटना गंजडुंडवारा थाना क्षेत्र के पचपोखरा पुलिया पर रात्रि चेकिंग के दौरान की बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली कि बाइक पर सवार होकर हथियारबंद तीन बदमाश किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में कहीं जा रहे हैं। घायल बदमाश को कासगंज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उसके दो साथी फरार हो गए। थानागंज डुंडवारा में जो घटना हुई है, क्या मामला है सर पूरा? आज दिनांक 23/4/2023 में प्रभारी निरीक्षक गंज डुंडवारा को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पचपोखरा से राम छितौनी की तरफ कुछ बदमाश मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। इस सूचना पर गंज डुंडवारा की टीम द्वारा वहाँ पुलिया के पास चेकिंग लगाई गई। कालांतर में मोटरसाइकिल से आते हुए बदमाश दिखाई दिए। इनको रोककर चेकिंग के जब प्रयास किया गया तो उनके द्वारा फायरिंग की गई। इस फायरिंग के बाद हमारे प्रभारी निरीक्षक की टीम के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को पैर में गोली लगी है। नज़दीक जाकर उसके बारे में पूछा गया तो उसका नाम अनुज पुत्र कमलेश निवासी बाउर थाना क्षेत्र पटियाली का बताया गया। और उसके साथ जो दो बदमाश थे जो भागने में सफल रहे, उनमें एक का नाम रजनीश, दूसरे का नाम आलोक पुत्र जयसिंह, जो थाना क्षेत्र पटियाली के ही निवासी बताए गए। इसके अतिरिक्त इसका आपराधिक इतिहास जानने का प्रयास किया गया तो लगभग 8 मुकदमे इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं, जो जनपद मैनपुरी से 20,000 रुपये का पुरस्कार घोषित भी है। मजरूह को घायल अवस्था में बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मौके से 3 खोखा कारतूस, 1 तमंचा और स्प्लेंडर प्लस बाइक बरामद हुई है। मुकदमा अपराध पंजीकृत करते हुए अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।